Hello students, welcome back. So we'll continue with the chemical properties of ether. अभी तक हमने दो chemical properties का discussion कर लिया है, दो type की chemical properties. Number one, reaction involving alkyl group, and number two, reaction involving cleavage of carbon oxygen bond. Third type का discussion start करते हैं. जो third type की property है वो related है, मैं जिसे C बोल रहा हूं, reaction of ethereal oxygen. ठीक है, जो ether का oxygen है ना, ether के अंदर जो oxygen atom present है उसे हम लोग ethereal oxygen के नाम से बुलाते हैं. ठीक है, तो उस ethereal oxygen के पास भी दो lone pair है, बराबर. अब उसके भी कुछ reactions हैं, उन reaction का discussion करते हैं. सबसे first reaction में discuss कर रहा हूं रिएक्शन ऑफ ethereal ऑक्सीजन में, एक्शन ऑफ कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स. बराबर, यहां पे मैं एसिड कौन से यूज करने वाला हूं. यहां पे जनरली मैं एसिड यूज करूंगा आइदर HCl और H2SO4, जो मेरे लिए बेस्ट है एकदम. फॉर्म कैसा होगा? कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड. ठीक है, सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड नहीं, कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है HCl एंड H2SO4. तो एक ही करके देखते हैं. सबसे पहले मैं HCl के साथ बात करता हूं, फिर H2SO4. ये जो कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है ना, HCl एंड H2SO4, व्हेन दे रिएक्ट विद ईथर दे रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट. वी कॉल्ड इट ऑक्सोनियम सॉल्ट. सॉल्ट का नाम होता है ऑक्सोनियम सॉल्ट. ऑक्सोनियम वर्ड क्या इंडिकेट कर रहा है? ऑक्सोनियम वर्ड इंडिकेट कर रहा है कि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है. क्या बता रहा है वो? कि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है. जैसे मान लो आपके पास ये ईथर है, ठीक है, बराबर. अब इस ईथर में इस ऑक्सीजन के ऊपर कैसे भी पॉजिटिव चार्ज अगर जनरेट हो जाए, ये किसी और ग्रुप के साथ बॉन्ड बना ले और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाए, तो मैं इसे बोलूंगा दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सोनियम सॉल्ट. जनरली नॉन मेटल ना पॉजिटिव चार्ज कैरी नहीं करता है, बट वेनेवर नॉन मेटल कैरी पॉजिटिव चार्ज देयर नेम एंड्स विद नियम. जैसे ऑक्सीजन पे जब पॉजिटिव आया तो उसके नाम को बना दिया गया ऑक्सोनियम. ठीक है, एक छोटा सा ट्रिक. तो लेट्स स्टार्ट विद दिस एक्शन ऑफ कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड इनऑर्गेनिक एसिड HCl और H2SO4. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बाय यूजिंग HCl. तो मैं जनरल रिएक्शन कुछ ऐसे लिख रहा हूं कि मान लो मेरे पास ये रहा ईथर ROR, बराबर. नाउ एवरीबॉडी नोज कि ईथर में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है, बराबर. इट कैन एक्ट एज एन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर. वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर की तरह काम कर सकता है. तो व्हेन इट कम्स इन अ कॉन्टेक्ट ऑफ कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl, वेयर H कैरी पॉजिटिव चार्ज, Cl कैरी नेगेटिव चार्ज, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर इस H प्लस के साथ कंबाइन होगा. चेक दिस, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर H प्लस के साथ कंबाइन होगा एंड इट विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ ROR. ये H के साथ उसने नया बॉन्ड बना लिया. एक्चुअली ये बॉन्ड कोऑर्डिनेट है, बट मैं यहां पे चार्जेस को रिप्रेजेंट कर रहा हूं. ठीक है, तो मैं प्लस और माइनस साइन बता रहा हूं, इसके कोऑर्डिनेट नहीं ले रहा हूं. और बाहर की तरफ क्या प्रेजेंट है? Cl माइनस. ये पूरा पार्ट कैटायन और ये पूरा पार्ट एनायन. बात समझ रहे हैं आप मेरा? ठीक है, सो दो अल्काइल ग्रुप है. कितने अल्काइल ग्रुप है? दो. तो इसका नाम क्या बोलू? मैं अज्यूम कर रहा हूं कि ये दोनों अल्काइल ग्रुप सेम है, तो मैं इसका नाम क्या बोलूंगा? डाई अल्काइल ऑक्सोनियम. ये सिचुएशन कैसा है मालूम है? इज लाइक एनी प्लस एंड सीएल माइनस. पहला एनी प्लस का नाम लिख लो, फिर सीएल माइनस का. तो पहला ओ प्लस ग्रुप का नाम लिख लो और फिर सीएल माइनस का. दिस इज डाई अल्काइल ऑक्सोनियम. Cl minus is there, so I will write chloride. This is dialkyl oxonium chloride. बराबर, जो salt की तरह बन रहा है. Example देखते हैं. Suppose if I use diethyl ether. Example में ले रहा हूं students. diethyl ether का C2H5O, C2H5. When this diethyl ether it react with HCl.
वेर एच कैरी पॉजिटिव चार्ज, सीएल कैरी नेगेटिव चार्ज, बराबर। फॉर्म कैसा रखना है? डोंट फॉरगेट, कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड, आई रिपीट, कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म रखना है स्टूडेंट्स, कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड। ऑक्सीजन का लोन पेयर है अपने पास, ये लोन पेयर किसके पास जाएगा? एच प्लस के पास। इट विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ सी टू एच फाइव बॉन्डेड विथ ओ, सी टू एच फाइव। ऑक्सीजन विल कैरी पॉजिटिव चार्ज, सामने एच आ गया, इधर सीएल आ गया, सीएल माइनस, बराबर। क्या नाम दूंगा मैं? इथाइल ग्रुप है, कितने ग्रुप है? दो। तो दिस विल बी डाई इथाइल ऑक्सोनियम क्लोराइड, डाइथाइल ऑक्सोनियम क्लोराइड। सो इट मीन्स व्हेन ईथर इट रिएक्ट विद कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड एसिड लाइक HCl, H2SO4, इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट। क्या बना देगा वो? सॉल्ट, ठीक है। सेकेंड पार्ट, सेकेंड इज बाय यूजिंग H2SO4। अगला जो पार्ट है ना वो उसमें हम यूज करेंगे H2SO4। नेक्स्ट इज H2SO4, ठीक है। और आप एक हैबिट बनाए रखो कि साथ साथ में लिखते रहो, ठीक है, साथ साथ में लिखते रहो। आप देखो H2SO4 बाय यूजिंग सेकेंड टाइप का रिएक्शन, इसमें बाय यूजिंग सल्फ्यूरिक एसिड, कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड आई एम यूजिंग। व्हेन दिस कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इट रिएक्ट विद ईथर, जनरल रिएक्शन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, H2SO4 को थोड़ा स्टाइल में लिख रहा हूं। हियर आई एम राइटिंग इट एज HSO4, HSO4, इंस्टेड ऑफ राइटिंग H2 डायरेक्टली, उसको मैंने ब्रेक कर दिया HSO4, जिसमें H के ऊपर प्लस का चार्ज है और HSO4 के ऊपर माइनस का चार्ज है, ठीक है। नाउ दिस ऑक्सीजन इट अटैक्स, दिस ऑक्सीजन इट अटैक्स ऑन H प्लस आयन, बराबर, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है, तो सामने इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को ढूंढ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ओके, अटैक, गेटिंग माय पॉइंट। सो इट विल गिव यू आर ओ आर, नाउ ऑक्सीजन विल कैरी पॉजिटिव चार्ज बॉन्डेड विथ हाइड्रोजन, बराबर। दिस इज योर ऑक्सोनियम पार्ट और साथ में माइनस HSO4 माइनस अनायन पार्ट, ये कैटायन, ये अनायन। कैटायन का नाम क्या हो गया? अल्काइल, अल्काइल, डाई अल्काइल, दो अल्काइल है ना, डाई अल्काइल ऑक्सोनियम, डाई अल्काइल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, दिस विल बी कॉल्ड एज डाई अल्काइल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। एग्जाम्पल अगर मैं लूं डाइथाइल ईथर के साथ, आप इथाइल मिथाइल भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट जब नाम लिखना तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना, ठीक है। जनरली हम लोग ज्यादातर डाइथाइल ईथर को एज अ रेफरेंस मानते हैं और वही यूज करते हैं। तो C2H5O, C2H5, दिस इज योर डाइथाइल ईथर। व्हेन इट रिएक्ट विद HHSO4 माइनस, ये हो जाएगा आपका H प्लस, ये हो जाएगा आपका HSO4 माइनस, ठीक है। ये ऑक्सीजन की लोन पेयर होगी। नाउ इट अटैक्स ऑन H प्लस आयन, व्हेन इट अटैक ऑन H प्लस आयन इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट C2H5O, C2H5। ऑक्सीजन विल कैरी पॉजिटिव चार्ज बॉन्डेड विथ एच, ठीक है। आगे क्या आ जाएगा? आगे होगा मेरे पास HSO4 माइनस। क्या नाम बुलाऊंगा मैं इसे? मैं इसे बुलाऊंगा डाई इथाइल, बोले क्या बोलेंगे इसे? डाई इथाइल ऑक्सोनियम, डाई इथाइल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, डाई इथाइल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। चेक दिस, गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। सो ये फर्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ इथरल ऑक्सीजन का। सेकेंड रिएक्शन देखते हैं, सेकेंड रिएक्शन भी सिमिलर है, बट इस बार वो एसिड से नहीं, इस बार वो लुइस एसिड से, ठीक है। ये तो मैंने वो एसिड यूज किया जो H प्लस आयन दे रहे थे ना, अब मैं यूज करूंगा लुइस एसिड, क्योंकि ईथर का जो ऑक्सीजन है, इथरल ऑक्सीजन, उसे तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना है, तो उसे सामने क्या चाहिए? जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा वो क्या बोलेगा, क्या डिमांड करेगा? इलेक्ट्रॉन ला, इलेक्ट्रॉन ला, ला एल ए ला, लुइस एसिड, यस, वो डिमांड करेगा लुइस एसिड। तो लेट्स सी रिएक्शन नंबर टू,
रिएक्शन विथ, रिएक्शन नंबर टू इज रिएक्शन विथ लुइस एसिड्स. बराबर, यहां पे मैं जनरली लुइस एसिड में क्या यूज कर सकता हूं, आई कैन यूज BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड. बराबर, मैं BF3 यूज कर सकता हूं. स्टूडेंट्स, मैं AlCl3 यूज कर सकता हूं, मैं FeCl3 यूज कर सकता हूं. बराबर, ये सब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है. जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता कि BF3 कैसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, वो देखो यहां पे, ये है बोरोन ट्राइफ्लोराइड. बराबर, बोरोन इट बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 13. इट्स एटॉमिक नंबर इज 5 एंड इट्स नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 3, 1s2, 2s2, 2p1. सो इट पजेसेस ओनली 3 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर शेल, और वो 3 के तीनों इलेक्ट्रॉन उसने बॉन्ड बना लिए. अब 3 के तीनों इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड बनाने के बाद भी स्टिल बोरॉन इट कंटेन ओनली 6 इलेक्ट्रॉन. बोरॉन इट कंटेन ओनली 6 इलेक्ट्रॉन, लेस देन 8. ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं है. तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज. सच काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज डिमांड्स फॉर इलेक्ट्रॉन, क्या बोलेंगे वो, इलेक्ट्रॉन ला. तो इट एक्ट्स एज लुइस एसिड, ऐसी AlCl3 भी है. ठीक है, तो रिएक्शन विद लुइस एसिड क्या होगा, काफी सिंपल रिएक्शन है. व्हेन ईथर रिएक्ट विद लुइस एसिड, व्हेन ईथर रिएक्ट्स विद लुइस एसिड, इट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ एडक्ट एडिशन प्रोडक्ट. बराबर, इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ एडक्ट, और वी से इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस. इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस. बराबर, या फिर हम लोग ऐसा भी बोलते हैं कि इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ ईथरेट. इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ ईथरेट. बराबर, आप उसे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं, आप उसे ईथरेट बोल सकते हैं. बराबर, इवन आप उसको एडक्ट बोल सकते हैं, बिकॉज एडक्ट का मीनिंग ही होता है एडिशनल प्रोडक्ट. बराबर, ऐसा प्रोडक्ट जो एडिशन रिएक्शन से बन रहा हो. ठीक है ना, देखिए, अब जैसे मान लो मेरे पास ईथर है. जनरल रिएक्शन एक बता रहा हूं मैं आपको, कि मेरे पास जनरल रिएक्शन बात करता हूं. जैसे मान लो मेरे पास ईथर है, ROR, इट कैन बी ROR, इट कैन बी ROR-, ROR-, कुछ भी हो, वी डोंट केयर, यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ता. व्हेन इट रिएक्ट विद BF3, बराबर. अब आप ऐसे सोचो कि ईथर ऑक्सीजन रिच, ईथर का ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रिच, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रिच. बराबर, ये सामने BF3 बोरॉन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, बीइंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इट डिमांड्स फॉर इलेक्ट्रॉन. यस, तो जब ये इलेक्ट्रॉन का डिमांड करेगा, यहां से बोरॉन से क्या आवाज आएगी, इलेक्ट्रॉन ला, तो ऑक्सीजन बोलेगा ले जा. बराबर, एंड इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स. आप इस कॉम्प्लेक्स को ऐसे भी दिखा सकते हो, ROR, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया और ये BF3 हो गया. गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, ये ROR, हियर इट इज बॉन्डेड विद BF3. एक बात ध्यान देना यहां पे, कि अगर क्वेश्चन बने, बराबर, क्वेश्चन में पूछे कि BF3 का बोरॉन रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद क्या हाइब्रिडाइजेशन रखता है, तो BF3 का बोरॉन रिएक्शन के पहले इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड. बराबर, बट रिएक्शन के बाद दैट बोरॉन बिकम sp3 हाइब्रिडाइज्ड. देयर इज चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन, यू कैन चेक दिस, देयर इज चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन. ये बोरॉन जो sp2 हाइब्रिडाइज था ना, नाउ इट चेंजेस टू sp3. पहले बोरॉन के पास 3 बॉन्ड था, तीनों बॉन्डेड विद फ्लोरीन sp2. अब बोरॉन ने 4 बॉन्ड बना लिया, तो नाउ इट इज sp3. ठीक है, आई होप ये अंडरस्टैंडिंग आपका है कि कैसे स्ट्रक्चर sp2 या sp3 होता है. क्लियर हो रहा है बात आपको? तो दिस विल बी कॉल्ड एज ट्राई फ्लोराइड बोरॉन. बराबर, या फिर बोरॉन ट्राई फ्लोराइड ईथरेट. बराबर, मैं इसे बुलाऊंगा बोरॉन ट्राई फ्लोराइड ईथरेट. यस, पहले बोरॉन बोलेंगे हम लोग, बोरॉन ट्राई फ्लोराइड ईथरेट. बराबर, बोरॉन ट्राई फ्लोराइड ईथरेट. जैसे मान लो मैं अगर यूज कर रहा हूं डाइथाइल, बराबर, डाइथाइल ईथर.
सो व्हेन दिस डाइथाइल ईथर इट रिएक्ट्स विद BF3 बोरॉन बीइंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट डिमांड्स फॉर इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन जो इलेक्ट्रॉन रिच है ना इलेक्ट्रॉन पेयर इट अटैक्स ऑन बोरॉन एंड इट फॉर्म्स C2H5 बराबर ऑक्सीजन यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा BF3 के साथ. बात समझ में आ रहा है? क्लियर. तो ये क्या हो गया? ये हो गया एक टाइप का कॉम्प्लेक्स. ऐसे ही सिमिलर काइंड ऑफ रिएक्शन ईथर शो करता है विद ग्रिगनार्ड रिएजेंट ऑल्सो. चेक दिस. सिमिलरली ईथर इट रिएक्ट विद ग्रिगनार्ड रिएजेंट ऑल्सो टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स. डू यू रिमेम्बर ग्रिगनार्ड रिएजेंट RMgX? बराबर ये RMgX है, मैग्नीशियम, Mg+2 का चार्ज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, डिमांड्स फॉर इलेक्ट्रॉन. बराबर तो मान लो मेरे पास दो ईथर है, ये ईथर नंबर वन ऑक्सीजन ROR, बराबर ये ईथर नंबर टू ROR, ठीक है. सो व्हेन दिस ईथर इट रिएक्ट विद ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ये ऑक्सीजन क्या करते हैं? अपने इलेक्ट्रॉन पेयर मैग्नीशियम की तरफ डोनेट करते हैं. बराबर एंड इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ RMgX. बराबर दोनों ईथर को ना मैं दो तरफ दिखा देता हूं, या फिर चाहिए तो मैं इसे ऐसे दिखा देता हूं, आपको समझने के लिए थोड़ा इजी रहेगा. ये RMgX हो गया. बराबर एक ईथर इस तरफ से आ गया ऑक्सीजन का कोऑर्डिनेट बॉन्ड. बराबर एक ईथर ने इस तरफ से ऑक्सीजन के थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया और ग्रिगनार्ड रिएजेंट को क्या कर रहे हैं? स्टेबलाइज. बराबर एंड दैट इज वाई इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपने देखा होगा ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट डाइथाइल ईथर इज यूज, ड्राई ईथर इज यूज. यही रीजन है. बात समझ रहे हैं आप? ठीक है, क्योंकि उसके साथ वो कंबाइन होके उसे स्टेबलाइज कर सकता है. क्लियर. तो दिस आर द फ्यू रिएक्शंस, दिस आर द फ्यू रिएक्शंस विथ ईथरल ऑक्सीजन. ये कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हुई जो ईथरल ऑक्सीजन से रिलेटेड है. ठीक है, तो नॉर्मली जो एलिफेटिक ईथर के बारे में बोलते हैं हम लोग, उसका डिस्कशन तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया हमारा. अब जो आगे डिस्कशन करने वाले हैं ना, बराबर काफी शॉर्ट में डिस्कशन करेंगे, बट आई विल गिव यू आइडिया कि क्या कैसे होता है. तो यू विल डिस्कस अबाउट अ स्मॉल पार्ट इपॉक्साइड. ठीक है स्टूडेंट्स, अभी जो मैं डिस्कशन करूंगा ना वो एक स्मॉल पार्ट इपॉक्साइड का डिस्कशन करूंगा. तो लेट स्टार्ट विथ इपॉक्साइड. इपॉक्साइड में यू नो वेरी वेल इपॉक्साइड साइक्लिक ईथर जो हमारे पास ऐसे वाले होते हैं, बराबर इस तरीके के ईथर जो है उनको हम लोग इपॉक्साइड के नाम से बुलाते हैं. ठीक है, नेमिंग एंड ऑल यू नो वेरी वेल. सो डायरेक्टली आई एम स्टार्टिंग विद द मेथड ऑफ प्रिपरेशन पार्ट. मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सबसे फर्स्ट मेथड बाय यूजिंग पर एसिड. योर पर एसिड इट मींस वी आर यूजिंग पेरोक्सी एसिड्स. वी आर यूजिंग पेरोक्सी एसिड. ठीक है, हम लोग यहाँ पे जनरली पर एसिड जब बोलते हैं ना तो पेरोक्सी एसिड यूज कर रहे हैं. बराबर जैसे मैं आपको बताऊं HC डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड OH, ये क्या हो जाएगा? पर फॉर्मिक एसिड. जैसे मैं यूज कर रहा हूं बेंजीन रिंग, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, पर बेंजोइक एसिड. बराबर इफ आई एम यूजिंग मेटा क्लोरो, ये पोजीशन पे मैंने ले रहा हूं सी डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, ओ एच, ये पोजीशन स्टार्ट नंबर वन हो गया, 1 2 3, ये पोजीशन को मैं बोल रहा हूं ये मेटा पोजीशन हो गई. दिस इज मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड. बराबर तो इसमें सब कुछ भी यूज करिए फॉर द प्रिपरेशन ऑफ MCPBA, मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड. बराबर ये सब पर एसिड है जिनको मैं यूज करूंगा फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इपॉक्साइड. ठीक है, सिंपल रिएक्शन एकदम समझा रहा हूं. ये हो गया आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. स्टार्टिंग मटेरियल इज योर अल्कीन. व्हेन अल्कीन इट रिएक्ट्स विथ पर एसिड. पर एसिड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय R, सी डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ एच. बराबर अब आपको सिंपल सा ये समझना है कि पर एसिड जो बीइंग अनस्टेबल वो अपना ऑक्सीजन रिलीज करेगा और वो ऑक्सीजन को आपको इंसर्ट करना है
बिटवीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, दैट्स इट। जो ऑक्सीजन वहां से रिलीज हो रहा है उसे इंसर्ट कर दो आप बिटवीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड को ब्रेक करके वहां पे एक थ्री मेंबर की रिंग बना लो। रिंग कैसे बनेगी, चेक दिस, ये कार्बन सिग्मा कार्बन एज इट इज, व्हाट डू आई से, कार्बन सिग्मा कार्बन एज इट इज, ये बॉन्ड नंबर वन बॉन्ड नंबर टू बॉन्ड नंबर वन बॉन्ड नंबर टू, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और ये बॉन्ड किसके साथ रिंग बनाएगा, ऑक्सीजन के साथ, एंड इट विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ थ्री मेंबर रिंग, दिस थ्री मेंबर रिंग विल बी कॉल्ड एज इपॉक्साइड। सिंपल एकदम मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। एक पॉइंट याद रखना है ऐसा रिएक्टिविटी के विथ रिस्पेक्ट टू, कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन एज द सब्स्टिट्यूशन इंक्रीजेस, बराबर, एज द सब्स्टिट्यूशन इंक्रीजेस दैट रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन टूवर्ड्स टूवर्ड्स इपॉक्साइड फॉर्मेशन इंक्रीजेस। आई रिपीट, एज द सब्स्टिट्यूशन ऑन अल्कीन इंक्रीजेस, बराबर, जो अल्कीन जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन विल बी मोर विल मोर इजिली अंडरगोज इपॉक्सीडेशन रिएक्शन, बराबर। जैसे देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 से ज्यादा रिएक्टिव होगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, उससे भी ज्यादा होगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, बराबर, उससे भी ज्यादा होगा CH3 टू टाइम्स C डबल बॉन्ड CH2, बराबर, सॉरी CH CH3, उससे भी ज्यादा होगा CH3 टू टाइम्स C डबल बॉन्ड C CH3 टू टाइम्स, गेटिंग माय पॉइंट। तो ये धीरे 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 दैट रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इपॉक्साइड फॉर्मेशन विल इंक्रीज, ठीक है। तो ये फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है इपॉक्साइड का, जो यूज करते हैं अल्कीन्स, बराबर, जिसका प्रिपरेशन हम करते हैं अल्कीन के हेल्प से, ठीक है। नाउ विल स्टार्ट विद द सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर इपॉक्साइड। सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज डन बाय यूजिंग क्लोरोहाइड्रीन। उसके मैकेनिज्म पे नहीं जाऊंगा मैं, बट आपको मैं पॉइंट्स यहां पे समझा दूंगा कि प्रिपरेशन कैसे हो रही है। तो सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज बाय यूजिंग सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज बाय यूजिंग क्लोरोहाइड्रीन। इट इज डन बाय यूजिंग क्लोरोहाइड्रीन। नाउ चेक दिस, सपोज इफ आई एम यूजिंग ethene CH2 double bond CH2, now this ethene it react with HOCl hypochlorous acid and it result in formation of CH2 CH2 single bond Cl single bond OH, whatever, this is your chlorohydrin. Now when this chlorohydrin, whatever, iske baaju mein mujhe ek aur स्टेट पॉइंट लिखना पड़ेगा, बाय यूजिंग बेसिक मीडियम, बराबर, बेसिक मीडियम इज रिक्वायर्ड, बेस इज रिक्वायर्ड, बराबर, यहां पे जब मैं यूज करूंगा बेस OH माइनस, ये बेस OH माइनस क्या करेगा, ये बेस OH माइनस इट विल रिजल्ट इन, इट विल हेल्प इन रिमूवल ऑफ H प्लस आयन, इट विल हेल्प इन रिमूवल ऑफ H प्लस आयन फ्रॉम OH ग्रुप, बराबर, यानी ये H प्लस आयन इस OH माइनस आयन से कंबाइन होके देयर विल बी लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, आप ऐसा सोचो। So what you will get, CH2 single bond O minus bonded with CH2 Cl. Now this O minus it attacks on chlorine का carbon. इस chlorine के carbon पे ये attack करेगा, बराबर। Now everybody knows कि chlorine is a very good living group. So get release in the form of Cl minus. जैसे ही chlorine वहां से Cl minus की form में release होगा, बराबर, here you will get CH2 single bond CH2O, it result in formation of epoxide, बराबर, simple है। अगर आपको question दिया होगा तो आप क्या करेंगे, CH3 CH double bond CH2 है, पूरा process है अपने पास, आपको सीधा सीधा पता है कि जहां पे double bond होगा उसी double bond के in between आपको oxygen add कर देनी है, बराबर, like this, ठीक है, simple एकदम, कोई tension लेने का जरूरत नहीं है। Now, the next part, after method of preparation, next important part is chemical properties. No doubt, काफी ज्यादा reactive होते हैं ये compounds.
रीजन क्या है पता है, इनके पास थ्री मेंबर की रिंग है, और थ्री मेंबर की रिंग जो होती है ना, ये जो थ्री मेंबर की रिंग होती है, यो इन इन सच केसेस देर इज लार्ज एंगुलर स्ट्रेन, बहुत ज्यादा एंगुलर स्ट्रेन होता है बराबर, उनके एंगल्स की वजह से बहुत ज्यादा वहां पे रिपल्शन है। तो इस वजह से ना ये जो कंपाउंड्स होते हैं इपॉक्साइड ऐसे कंपाउंड बराबर, उनकी रिएक्टिविटी काफी ज्यादा होती है। तो यहाँ पे जो केमिकल प्रॉपर्टी मुझे पढ़ना है वो हाइड्रोलिसिस पढ़ना है, ठीक है। तो हाइड्रोलिसिस का आपको मैं सिंपल पॉइंट समझाऊं कि आप इपॉक्साइड यूज करिए बराबर, हाइड्रोलिसिस कैन बी डन बाय यूजिंग एसिडिक और बेसिक मीडियम, दोनों टाइप का हाइड्रोलिसिस पॉसिबल होता है, एसिडिक और बेसिक। अगेन मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे मैं मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूं, तो मैं आपको डायरेक्टली ऐसे बताऊंगा कि इफ यू आर यूजिंग एनी इपॉक्साइड बराबर, तो व्हेन दिस इपॉक्साइड इट अंडरगोज एसिडिक हाइड्रोलिसिस और बेसिक हाइड्रोलिसिस, डजंट मैटर, इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ विसिनल डायोल, इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ विसिनल डायोल बराबर, विसिनल डायोल बनाएगा, क्या बनाएगा, विसिनल डायोल, एंड दिस एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस विसिनल डायोल इट इज ऑल्सो पॉपुलर बाय द नेम ऑफ एंटी हाइड्रोक्सिलेशन, इट इज पॉपुलर बाय द नेम ऑफ एंटी हाइड्रोक्सिलेशन बराबर। ये रिएक्शन को मैं ऐसा मान रहा हूं कि अल्कीन से स्टार्ट कर रहा हूं, जैसे रिएक्शन क्या हो जाएगा, मान लो आपके पास अल्कीन है, तो अल्कीन का यूज, अल्कीन को आपने कन्वर्ट कर लिया किसमें, इपॉक्साइड में, फिर उसके एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराओ या बेसिक हाइड्रोलिसिस बराबर, ये जो प्रोसेस होगा उसे मैं बोलूंगा एंटी हाइड्रोक्सिलेशन, जिसका मतलब है कि यहाँ पे जो दो OH ग्रुप आएंगे बराबर, जो दो OH ग्रुप आएंगे वो दोनों OH ग्रुप अपोजिट साइड में रहेंगे, एंटी पैरेलल टू ईच अदर बराबर, वो दोनों OH ग्रुप ना अपोजिट साइड में रहेंगे, ठीक है। एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको, जैसे मान लीजिए कि रिएक्शन कुछ ऐसा दिया है कि साइक्लोपेंटीन दिया हुआ है, मान लो साइक्लोपेंटीन के साथ में रिएक्शन कर रहा हूं, एग्जाम्पल देखना आप ध्यान से, तो आपको बात समझ में आएगा जो मैं बोल रहा हूं। एग्जाम्पल कुछ ऐसा है, नॉर्मल अगर कोई sp3 कार्बन का स्ट्रक्चर होगा तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट जब रिंग वगैरह होगी ना तब आपको एंटी पार्ट दिखाई देगा, जैसे मान लो ये हो गया, दिस इज साइक्लोपेंटीन बराबर, नाउ दिस साइक्लोपेंटीन इट रिएक्ट्स विद PBA पर बेंजोइक एसिड, इट रिएक्ट विद PBA दैट इज पर बेंजोइक एसिड, पर बेंजोइक एसिड के साथ रिएक्शन हो रहा है, तो जो पर बेंजोइक एसिड के साथ रिएक्शन होगा तो ये क्या बना देगा, दिस विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ इपॉक्सी, चेक दिस बराबर, 1.2 इपॉक्सी साइक्लोपेंटेन, ठीक है, कुछ ऐसा कंपाउंड बनेगा। अब इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं इन एसिडिक मीडियम, H+H2O का मतलब क्या हुआ, हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक मीडियम, यहां से हाइड्रोलिसिस के बाद जो मुझे प्रोडक्ट मिलेगा वो कुछ इस तरीके से होगा, देखिए ध्यान से, अब इस OH पे ध्यान देना, विसिनल डायोल तो आपको पता है ना, विसिनल डायोल का मतलब होता है जब OH ग्रुप एडजेसेंट कार्बन के ऊपर प्रेजेंट हो, एक OH ऐसे दिख रहा है आपको और एक OH आपको ऐसे दिखेगा, चेक दिस बराबर, इसी को मैं बोल रहा था कि ये एंटी पार्ट होगा बराबर, इसलिए इस प्रोसेस को मैंने बोला कि दिस विल बी कॉल्ड एज एंटी हाइड्रोक्सिलेशन, दिस विल बी कॉल्ड एज एंटी हाइड्रोक्सिलेशन, बात समझ में आया आपको, इसी को मैंने बोला था एंटी हाइड्रोक्सिलेशन, क्लियर। अब नॉर्मल कोई अगर अल्कीन आप ले लेते थे, जैसे आपने ले लिया CH3CH डबल बॉन्ड CH2 बराबर, आपने यूज कर लिया पर बेंजोइक एसिड, तो यहां पे मुझे मिल जाएगा CH3CH CH2, ये इपॉक्साइड बना देगा बराबर, मान लो इसका मैंने एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दिया, तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस के बाद मुझे मिल जाएगा CH3CHOH CH2OH। अब मैं इसे ऊपर दिखाऊं नीचे दिखाऊं यहां पे वो पता नहीं चलेगा, बट जब ऐसे रिंग होगी ना तो उसमें क्लियरली आपको पता चलेगा कि एंटी वर्ड का मीनिंग मैं क्या बोलना चाहता हूं, बात समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तो ये एक छोटा सा पार्ट, मैंने काफी छोटा पार्ट तो नहीं है, मैंने काफी शॉर्ट में आपको समझाया इपॉक्साइड्स के बारे में भी, कि इपॉक्साइड की दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन मैंने आपको बताई और उसका हाइड्रोलिसिस का केमिकल प्रॉपर्टीज बताया,
बराबर, जो आपको काफी यूजफुल होगा जेई एंड नीट पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, अब इसी में एक और पार्ट हम लोग डिस्कस करने वाले स्टूडेंट्स, बराबर, जो काफी पॉपुलर पार्ट है, साइक्लिक ईथर का ही पार्ट है, बराबर, साइक्लिक ईथर का ही पार्ट है, बट एक स्पेशल टाइप है साइक्लिक ईथर की, बराबर, जो पॉपुलर है बाय द नेम ऑफ क्राउन ईथर्स, जो पॉपुलर है बाय द नेम ऑफ क्राउन ईथर्स, बराबर। दिस क्राउन ईथर वॉज डिस्कवर्ड बाय चार्ल्स जे पेडरसन, बराबर। फर्स्ट टाइम चार्ल्स जे पेडरसन आइडेंटिफाइड दीज मैक्रो साइक्लिक ईथर्स, बराबर। चार्ल्स जे पेडरसन, सॉरी, इट इज ER पेडरसन, ही डिस्कवर्ड मैक्रो साइक्लिक ईथर्स, वेयर द मैक्रो वर्ड अपने आप में आपको बता रहा है, मैक्रो मतलब क्या, बिग, बराबर, मैक्रो यानी क्या, बिग, जिसे मैं बोल सकता हूं मैक्रो साइक्लिक पॉली ईथर्स। पॉली ईथर में इसलिए बोल रहा हूं ना क्योंकि वहां पे मुझे ईथर के कई सारे ग्रुप मिलने वाले, एक दो तीन नहीं, कम से कम चार ग्रुप मिलने वाले, इसलिए मैं इसे पॉली ईथर के नाम से बुला रहा हूं, बराबर। दिस आर ऑल्सो कॉल्ड एज, दीज क्राउन ईथर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज, ध्यान देना मेरी बात पे, दिस आर ऑल्सो कॉल्ड एज कंडेंसेशन पॉलीमर, दिस आर ऑल्सो कॉल्ड एज कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल, कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल, मतलब अगर मैं इथिलीन ग्लाइकॉल के कई सारे मॉलिक्यूल यूज करूं और वहां से वॉटर रिमूवल हो तो ऐसे टाइप के कंपाउंड बनते हैं जिनको हम लोग क्या नाम से बुला रहे हैं, क्राउन ईथर के नाम से बुला रहे हैं, बराबर। क्राउन ईथर नाम इसलिए दिया गया है ना क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर्स है ना, ये इनका दी स्ट्रक्चर रिजेंबल्स विथ अ क्राउन, देयरफॉर नेम इज गिवन क्राउन ईथर। इनका जो नेमिंग का पार्ट है, बराबर, नेमिंग का पार्ट हम लोग ऐसे बोलते हैं कि इनको नेमिंग में बोला जाता है X क्राउन Y, बराबर। इनका जो नाम है ना वो नाम हम लोग ऐसे देते हैं X क्राउन Y, ठीक है। X क्राउन Y में X का मतलब क्या है, Y का मतलब है, वो समझ लेते हैं हम लोग। यहाँ पे X का मतलब होता है नंबर ऑफ एटम, ध्यान देना स्टूडेंट्स, कभी कभी स्टूडेंट्स को यहाँ पे कंफ्यूजन होती है, मैंने बोला नंबर ऑफ एटम, ये नहीं बोला नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन रिंग, ठीक है, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन रिंग, रिंग के अंदर जो एटम प्रेजेंट है उनकी बात कर रहा हूं मैं। और वाई का मतलब है, यहां पे मैं दो ही एटम जनरली प्रेजेंट होते हैं रिंग के अंदर, कार्बन एंड ऑक्सीजन, तो दोनों को काउंट करना है आपको, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन रिंग, कार्बन एज वेल एज ऑक्सीजन। और वाई का मतलब है नंबर ऑफ एटम, बट इस बार मैं स्पेसिफाई कर दूंगा नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। एक पॉइंट मैं यहां पे लिखना भूल गया, यहां पे मैं मेंशन कर देता हूं कि दीज कंपाउंड्स आर हेट्रोसाइक्लिक, बराबर, ये कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोसाइक्लिक, दिस आर हेट्रोसाइक्लिक ईथर कंटेनिंग एटलीस्ट 4 ऑक्सीजन एटम, कम से कम 4 ऑक्सीजन तो रहना जरूरी है, कंटेनिंग एटलीस्ट 4 ऑक्सीजन एटम स्टूडेंट्स, 4 ऑक्सीजन एटम कम से कम अपने को रखना है, ठीक है। देखिए एग्जांपल, ऑक्सीजन एटम नंबर 1, ऑक्सीजन एटम नंबर 2, ऑक्सीजन एटम नंबर 3, ऑक्सीजन एटम नंबर 4, ये 4 ऑक्सीजन बना दिए मैंने। अब मैं क्या करूंगा, इन चारों ऑक्सीजन को कार्बन से कनेक्ट कर रहा हूं, कैसे, देखिए
बराबर, और हर एक ऑक्सीजन के कितने बॉन्ड बनेंगे, दो बॉन्ड कंपलसरी बनेंगे। चेक दिस, बात समझ रहे हैं? अब काउंट कर लो, एक्स क्राउन वाई के हिसाब से नाम लिखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। सर ये एक्स का नंबर तो 12 हो रहा है, तो 12 क्राउन 4, क्या बोलते हो? बराबर, 12 क्राउन 4, दिस विल बी 12 क्राउन 4, गेटिंग माई पॉइंट? बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, ऐसे एक एग्जांपल ले लो, 15 क्राउन 5, ठीक है, ये आप ड्रॉ करना, 15 क्राउन 5। एक और बहुत ज्यादा पॉपुलर एग्जांपल है, दिस वन इज वेरी पॉपुलर, 18 क्राउन 6, मतलब कितनी नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम होगी, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, बराबर कितने, 6 है। देखिए ऐसे स्टार्ट करेंगे, एक ये दो कार्बन बना लो, यहां पे अटैच कर लो, हर एक ऑक्सीजन के पास ऐसे दो कार्बन का लाइन बनाना, बराबर, एक ये एक कार्बन, ये दो कार्बन, इसको यहां पे कनेक्ट कर दो, ठीक है, ये यहां पे क्या, इधर कनेक्ट कर दो, दो ग्रुप आने चाहिए, दो कार्बन का ग्रुप आ रहा है सब जगह, ध्यान देना, ये दो कार्बन का ग्रुप आ गया, ठीक है, ये दो कार्बन का ग्रुप आ गया, चेक दिस, बराबर, ये दो कार्बन का ग्रुप आ गया, काउंट कर लो अभी, यहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, तो इसलिए 18 पहले लिख दिया है, टोटल मेंबर 18, ऑक्सीजन 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसलिए 18 क्राउन 6। ये Na प्लस K प्लस आयन जब आते हैं ना, तो उनके साथ ही कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस भी बना लेते हैं, ठीक है, क्लियर? सो इट्स ऑल फ्रॉम क्राउन ईथर, ओके।